हेलो यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन बताने जा रहा हूँ एक्सेल का वी लुकअप। वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है आपके एक्सेल में जिसमें आप घंटों का काम कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ कि ये है क्या। ये मेरा स्क्रीन है, स्क्रीन में आप जैसे देख रहे हैं ये मैंने कुछ सैम्पल डेटा फिलअप किया हुआ है। ये सैम्पल डेटा है और मुझे ये जैसे रिजल्ट है, इसमें स्टूडेंट्स के नेम हैं, इसमें इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स इसके मार्क्स हैं और मुझे ये तीन जो स्टूडेंट्स हैं इनका मुझे डेटा चाहिए। तो एक तरीका हो सकता है कि आप ये टेबल में जाइए और टेबल से एक एक डेटा उठाइए, वो भी एक पॉसिबल है। और दूसरा पॉसिबल है कि आप एक फॉर्मूला डालिए और ये पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। आपका अभी आपको लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला डालने की क्या ज़रूरत है, हम तो फौरन से देख के कर सकते हैं, मगर आप इसी भी कर सकते हैं क्योंकि ये 5-6 डेटा, मान लीजिए 5000 डेटा है, इससे आप कैसे निकालें। इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले आप इक्वल टू दबाइए, फिर आप वी लुकअप, वी लुकअप जैसे लिखिएगा उसके नीचे आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इसको करने का दो तरीका है। आप वी लुकअप पूरा लिख दीजिए, टैब दबाइए, जैसे टैब दबाइएगा तो ये एक आपका पूरा कि वी लुकअप फार्मूला जो है इसमें आपको डालना क्या है। पहले आपको वी लुकअप वैल्यू डालनी है, फिर टेबल एरे डालना है, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, फिर रेंज लुकअप। तो ये होता क्या, वी लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि आपको डेटा क्या चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, आपको गौरव का मार्क्स चाहिए तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, फिर आप कॉमा दीजिए, फिर पूछा जाएगा टेबल है। टेबल एरे का मतलब होता है आपको ये जो डेटा है ये कहाँ ढूंढना है, आपको ये टेबल में ढूंढना है, ये टेबल को पूरा आप सेलेक्ट कर लीजिए। तीसरा आप कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि आपको कौन सा कॉलम में ये कौन से कॉलम से ये डेटा देना है। जैसे आपका कॉलम हो गया ये नेम 1 कॉलम हो गया, इंग्लिश 2 कॉलम हो गया, हिंदी 3 कॉलम हो गया, कॉमर्स 4 कॉलम हो गया, मैथ्स 5 और इकोनॉमिक्स। तो हमको कॉमर्स का डेटा चाहिए, तो कॉमर्स का डेटा मेरे कौन से कॉलम में, 1, 2, 3, 4 फोर्थ कॉलम, तो आप यहाँ पे फोर्थ लिख दीजिए। और फिर लास्ट में आता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप को आप इग्नोर भी कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं। अगर आप यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक है ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच और फॉल्स एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मैच का मतलब कि हमको पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है और अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब कि मिलता जुलता। तो आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला तो आप जीरो डाल सकते हैं। जीरो डालने के बाद इसको आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए, क्लोज करने के बाद आप इंटर कर दीजिए। देखिए ये आपका वैल्यू आ गया, वैल्यू जो आया गौरव का आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, गौरव का कॉमर्स में 32 मार्क्स। आइए फिर मैं एक बार इसको चेक करवा दूँ। इसको करने पहले आप इक्वल टू दबाइए, वी लुकअप दबाइए, वी लुकअप करने के बाद आप उसको टैप करें, टैप करने वी लुकअप वैल्यू। वी लुकअप वैल्यू मैंने आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको जॉन करना है, जॉन का मार्क्स करना है, जॉन फिर इक्वल टू दबाइए, जॉन का मार्क्स कहाँ फाइंड आउट करना है, आपको ये टेबल में फाइंड आउट करना है। टेबल एरे कितना है, टेबल एरे हो गया, फिर कॉमा दबाइए, कॉलम इंडेक्स में कौन से कॉलम में करना है, 1, 2, 3, 4 फोर्थ रो है, फोर्थ रो दबाइए, रेंज लुकअप जीरो दबा दीजिए, ब्रैकेट जॉन का मार्क्स कॉमर्स में। अब आपको हर बार एक फॉर्मूला डालने की ज़रूरत है, आप सीधा यहाँ पे जाइए, कॉपी कीजिए और यहाँ पे इसको ड्रैग कर दीजिए। तो ये आपका अब्दुल का भी देखिए। अब मैं निकालूंगा इकोनॉमिक्स का मार्क्स, तो इक्वल टू कीजिए, वी लुकअप कीजिए, फिर लुकअप वैल्यू क्या देखना है आपको, गौरव का मार्क्स, फिर टेबल एरे क्या होना चाहिए, जॉन से लेके 26 तक होना चाहिए, A3 से लेके आपका F11 तक, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और वी लुक और रेंज फंक्शन 0 कॉमन दे दिए, या 26। देखिए इसमें गौरव का इकोनॉमिक सम आप 26 है। अब इसको आप ड्रैग कर दीजिए। अब जब आप ड्रैग कर रहे हैं तो ये एरर आ रहा है N/A। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉट अवेलेबल।
वो डेटा अवेलेबल नहीं होगा। हम तो यहाँ देख रहे हैं कि जॉन का जो इकोनॉमिक्स में मार्क्स 52 में होगा, यहाँ भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये जब एरर का मतलब होता है, आप जब फार्मूला देखें, ये जो फार्मूला कि F12 से F42 से फार्मूला होगा, इसका फार्मूला था S6 FA3 से F11 तक देखना था 6 और 0। अब आप यहाँ जाइए तो ये A4 हो गया। जैसे आप इस ये वी लुकअप में एक प्रॉब्लम है, जैसे आप इसको ड्रैग करते हैं तो फार्मूला भी नीचे ड्रैग हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए है कि आप जब पहली बार कीजिए ये वाला A11 को सेलेक्ट कीजिए। A11 को सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली F4 दबा दें। F4 का मतलब है फ्रीज, माने टेबल पर जो ये लाइन है ये फ्रीज हो गया। अब इसको ड्रैग करने से ये लाइन ड्रैग नहीं होगा। जैसे मैं देख इसको इंटर दबाइए, इंटर दबाने के बाद आप इसको ड्रैग करें, देखिए होगा। तो इससे आप ये एरर से आप बच सकते हैं। तो यही आज का वीडियो था, आज का जो वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको इससे और भी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो एक्सेल के बारे में या GST या इनकम टैक्स TDS किसी भी रिलेटेड भी जानना हो तो आप प्लीज़ मेरे दिए हुए मेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस वीडियो के लास्ट में आएंगे, उसमें आप प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए। और कुछ भी कंसल्टेंसी या कुछ की भी आपको ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ उसमें आप मेल करके कीजिए। कोई भी एडवाइस की ज़रूरत हो, मैं कोशिश करूँ कि आपको जल्दी जल्दी उसमें रिप्लाई करूँ। थैंक यू।